बेबू डार्लिंग के कारण वो सैफो है 10 years older, डिवोर्स्ड एंड दो लवली बच्चों के डैडी कूल। और कहते हैं बेबू है फुल्ली सपोर्टिव, वो देती है सैफो को इनफ टाइम टू स्पेंड विद द किड्स और डिमांड करती है रिलेटिवली कम अटेंशन छोटे नवाब से जब होते हैं किड्स अराउंड। लेकिन ये भी सुना है कि बेबो को बच्चे हैं पसंद, पर इतने भी नहीं कि वो अभी एक मम्मी बनने की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा ले। अरे उनकी उम्र ही क्या है, बेबो डार्लिंग को तो ये भी लगता है दैट छोटे नवाब स्पॉइल्स हिज किड्स अ लॉट। पर बेबी ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि वो सिर्फ आपको ही स्पॉइल करे, ही ऑल्सो हैज रिस्पॉन्सिबिलिटीज ना। रिसेंटली किसी ने खबर दी कि जब किडी पार्टी आई टू स्पेंड सम टाइम विद डैडी डार्लिंग, करीना स्टक अराउंड एंड डिडंट केयर मच अबाउट द किड्स। सैफ को बात लगी बुरी और वो हो गए नाराज। आफ्टर ऑल ही इज अ नवाब यू नो। बस फिर क्या था, सैफ ने आओ देखा ना ताओ और लगा लिया अपने मुंह पे लॉक। खबरों की माने तो पूरे 6 days he didn't speak with Bebo. Later मामला गया सुधर when the kiddie party went back after spending quality time with daddy dear. Thank God. Quality time तो Bebo darling भी spend करती है कुछ लोगों के साथ, कुछ within quotes. और तब बात लगती है बुरी छुटकू नवाब सैफ अली खान को। बात है अमृता की बर्थडे पार्टी की, जो है बेबो की दोस्त नंबर वन नॉट राव सिलीज अरोरा, मलाइका अरोरा की किड सिस्टर। उनकी बर्थडे पे बेबो केम विद हर आर्म कैंडी सैफ डार्लिंग। सल्लू बाबा भी थे प्रेजेंट इन द पार्टी। पार्टी थी जवान, रात थी रंगीन। रिपोर्टेडली बेबो को चढ़ गया नशा। जब सल्लू हुए अलोन देन बेबो स्टार्टेड टॉकिंग टू हिम। सैफ को लगा झटका because according to people present there, Bebo was too close to Sallu for Saifu's comfort. बाद में जब बेबो की तबीयत अचानक हुई खराब, तब सैफ ड्रोव हर होम एंड ही डिडंट स्पीक अ वर्ड विद हर ऑल द वे। नेक्स्ट डे उन्होंने किया पैच अप। जब मीडिया ने किया सवाल सैफ से इसके बारे में, तब उन्होंने कहा सल्लू इज फैमिली एंड देयर इज नथिंग रॉन्ग एनीवेयर। ऑफ कोर्स सल्लू इज फैमिली, लेकिन सैफ और बेबो की कब स्टार्ट होगी फैमिली, इसका है इंतजार उनके फैंस को। देयर हैव बीन रूमर्स ऑफ अ सीक्रेट एंगेजमेंट। किसी ने कहा छोटे नवाब ने प्रपोज किया बेबो को ऑन अ चार्टर्ड फ्लाइट जो उन्होंने बुक किया था स्पेशली इसी पर्पस के लिए। हाउ रोमांटिक। सैफू कीप्स गिफ्टिंग बेबो एक्सपेंसिव रिंग्स। कहते हैं कुछ की तो प्राइस है मोर देन अ करोड़ रुपीज। वाओ, ये नवाबी अंदाज। और फिर ये न्यूज भी फैली दैट द टू हैव सीक्रेटली मैरिड, बट वी नो दैट बेबो विल बी द फर्स्ट वन टू शाउट आउट फ्रॉम द रूफ जब उनका रचेगा ब्याह। एंड द लेटेस्ट बज़ इन बी टाउन इज टू बी बिलीव्ड, सैफ एंड करीना कर रहे हैं शादी 2012 में। हाउ रोमांटिक। खैर, वी विल ऑल वेट फॉर द डी डे। अभी द बोथ ऑफ देम आर बिजी अपनी अपनी करियर को लेकर। बेबो और सैफो की नेक्स्ट रिलीज एजेंट विनोद का है जनता को इंतजार, क्योंकि एज ऑल ऑफ अस नो बोथ ऑफ देम फेल्ड टू जनरेट मच हीट इन द बॉक्स ऑफिस विद देयर प्रीवियस अटेम्प्ट्स। LOC में तो दोनों गोली बारूद और इतने सारे को स्टार्स के भीड़ में खो गए। और फिर हमारी बेचारी बेबो ने तो किए कितने कोशिशें तो अप द एक्साइटमेंट कोशिएंट, बिना खाए पिए बनाया साइज 0 फिगर। डू यू पीपल हैव एनी आइडिया कि ऐसा फिगर अचीव करने के लिए क्या क्या करना नहीं करना पड़ता है। लेटर कुर्बान में भी दे फेल्ड टू सिजल ऑन द स्क्रीन डिस्पाइट द कंट्रोवर्शियल पोस्टर जिसमें बेबो का बैक था चर्चे का सब्जेक्ट फॉर अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम। करीना का लक रहा है जरा सा खराब अपने रियल लाइफ बॉयफ्रेंड्स के साथ ऑन स्क्रीन सक्सेसफुल जोड़ी बनाने में। शाहिद कपूर के साथ उनकी जोड़ी ऑलवेज फ्लॉप्ड एक्सेप्ट फॉर जब वी मेट, बट बाय देन दे वर नॉट टुगेदर एनीमोर। अब जहां एक तरफ फैंस वांट टू सी बेबो एंड सैफ सक्सीड एज अ जोड़ी ऑन स्क्रीन, वहीं थोड़ा सा है डर अगर फिल्म हिट हो गई लाइक जब वी मेट तो इज हिस्ट्री गोइंग टू रिपीट इटसेल्फ, मीनिंग ये आखिरी फिल्म तो नहीं होगी ना सैफ की करीना के साथ एज अ कपल। इज करीना गोइंग टू फाइंड समवन एल्स लाइक शी डिड अर्लियर, एंड इफ समथिंग लाइक दैट हैपेंस देन सैफू बाबा के लिए है हमारे हार्ट में दर्द, बिकॉज सुना है बहुत दर्द होता है टैटू इरेज करवाने में। आउच। टैटू इरेज होगा या नहीं, करीना की एक्स फाइल में कितने पेजेस और ऐड होंगे, सैफीना की शादी का अनाउंसमेंट कब होगा पब्लिक, ये तो बताएगा आने वाला टाइम। एज फार एज वी आर कंसर्न्ड, वी विश ऑल ऑफ देम अ लॉट ऑफ हेल्दी अफेयर्स एंड सीरियस रिलेशनशिप।